हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं यहाँ अभी देखिए चावल बना रही हूँ कढ़ाई में। वो भी तो यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, उसके बाद काली जीरा डाला है और उसके बाद चावल को धो के यहाँ डाल दिया है। तो आज मैं यहाँ क्या बनाने वाली हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ ये सुशी नोड़ी जो मेरा बेटी ने लिया था, अभी तक मैंने नहीं बनाया। तो आज मैं सोच रही हूँ यही बनाती हूँ, क्रिसमस स्पेशल खाना। आज क्रिसमस स्पेशल में खाना बनाऊंगी। ऐसे तो हम हमेशा ही चावल ही खाते हैं, कभी रोटी कभी चावल खाते हैं, तो आज थोड़ी अलग बना रही हूँ क्योंकि दुकान भी बंद है, हस्बैंड का भी दुकान बंद है, मेरा भी बंद है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं कुछ अलग ही करती हूँ आज। तो यहाँ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, अभी ये पानी डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा। चावल में थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगी, इंडियन स्टाइल सुशी नोड़ी इंडियन स्टाइल में बनाऊंगी। मुझे तो आती नहीं है, कभी मैंने खाया भी नहीं, कभी मैंने देखा भी नहीं कैसे बनता है। तो मैं देखती हूँ, जैसा जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसे वैसे ही मैं बनाऊंगी। चावल थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि बाई चांस टेस्टी नहीं होगा तो। और यहाँ ये काट के रखा है, इसके लिए बनाऊंगी ये चाउमीन। चाउमीन में बंदा गोभी डालूंगी, बंदा गोभी डालूंगी ये है। इसके लिए अभी अभी पानी बिठा देती हूँ चाउमीन के लिए। और यहाँ प्रॉन भी रखा हुआ है, इसे भी मैं बनाऊंगी। आज क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस में तो केक खाना है, लेकिन मैं केक नहीं बना रही हूँ, मैं आज कुछ अलग ही ट्राई कर रही हूँ। और सुबह में थोड़ी बाहर गई थी और अभी आके बना रही हूँ खाना। अभी 12 बज चुकी है, अभी खाना बना रही हूँ। और ये है हमारी दोपहर के लंच, कुछ पता ट्राईपोड लेना, ट्राईपोड फोन रखने के लिए। और कभी मैंने ये चावल नहीं बनाया है, मुझे पता भी नहीं है ये चावल को कैसे बनाते हैं। मैंने सुना है माँ के मुँह से थोड़ी थोड़ी पानी डाल के बनाना है, तो इसीलिए यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही मैं बना रही हूँ। ऑफ कर देता, अंकल आने में लेट हो रहा है, तभी जरा ऑफ कर देता।
और यहाँ चाउमीन बन रही है, क्योंकि दोपहर का लंच है तो इसीलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बनाया है। और यहाँ मैं प्रॉन फिश को फ्राई कर रही हूँ, जो उसी सूसी ना सूसी उसी में डालूंगी, उनका नाम भी भूल जाती हूँ बार बार। और इसको मैं प्रॉन की पकौड़ा बनाऊंगी, यहाँ रखती हूँ, यहाँ बेसन डालूंगी, और सूसी के लिए यहाँ देखिए मैंने क्या क्या रखा है। यहाँ है खीरा, यहाँ है खीरा, यहाँ है मूली, और ये गाजर ये डालूंगी, तो इसे पहले अच्छा से फ्राई होने देने आए। तो चलिए आप बनाते हैं इसे सूसी लोरी को, आपको पता नहीं कैसे करना है, तब भी ट्राई करती हूँ। डर ही लग रहा है, होगा कि नहीं होगा पता नहीं। कितनी पतली है, ऐसा करना है। अब इसमें डालूंगी चावल को, चावल तो पूरा हाथ में चिपकू जैसा लग रही है, दोनों हाथ ही यूज करनी है, नहीं तो मेरे से तो होगी नहीं। देखिए मैंने यहाँ रख ही दिया, अभी जाके याद आया इसे साइड में रखने से ठीक था, यहाँ रख देती हूँ। अच्छा नहीं लगता दोनों हाथ एक साथ करने के लिए, लेकिन क्या करें, इसे इग्नोर कीजिए, एक हाथ से तो मुझे होगा ही नहीं, मेरे से तो होगा नहीं। और हस्बैंड और पुष्पा गए हैं ऊपर मिलाने के लिए, अब इसे डालती हूँ पहले सॉस को, थोड़ी सॉस। यहाँ चिली सॉस होने से अच्छा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेरे पास तो है नहीं, तो इसीलिए हेर्नु मैले यहाँ गर्दैछु। त्यो कागज पनि खाइदिनु नि। पुष्पा आज क्या हो रहा है बोल दे। पिकनिक, क्रिसमस पिकनिक। तो यहाँ देखिए हमारी छोटी सी पिकनिक, यहाँ है सुशी नोरी, यहाँ है प्रॉन फ्राई, और इसमें रखा है चाउमीन, और यहाँ हस्बैंड ने बनाया है चटनी, और यहाँ प्याज और मिर्ची, और यह है स्प्राइट। तो अभी हम खाना शुरू करते हैं। चल पुष्पा चल आजा, तपाईलाई कस्तो लाग्यो भन्दिनु। एकदम वेरी गुड। बल्ल देखिन्छ।
तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई है, अभी हम यहाँ पे बैठेंगे क्योंकि वहाँ से अच्छी नहीं आ रही थी। नहीं होगा, अच्छा से बैठना, कैसे होगा? मुझे तो भाई नमक मर्चा तक चाहिए। ये सही है, ये सब जरूरत नहीं है, तभी चाहिए तो लेना। कपड़ा तो आराम भैस आराम से खाली भी आराम आदमी भी आराम से बैठे। चलो चलो खाओ खाओ चलो। तो यहाँ हमारी प्लेट लग चुकी है, पहले तो इसको नया का खाना है, नया खाइए सुशी सुशी। तो पहले आपके लिए सुशी। तो मेरी प्लेट यहाँ रेडी हो चुकी है और पहले आपके लिए, तो अभी ये ट्राई करती हूँ, भगवान जाने कैसा हुआ है। टेस्टी रहेगा, यो सर पीस पीस काट लिया। ये था रबर जैसा है बाहर पनि। खोले भयो है त्यतिकै फेरि कति देर खाने ये रबर जैसा है इसको डायरेक्ट करके खाते उस चाकू ले तो चाकू से काटते हैं।
तो डायरेक्ट मुख का अंदर प्लेट भी गया, तो प्लेट भी लेने से ठीक था। अरे पुष्पा हमें नहीं चाहिए, हो गया लगेगा। इसमें टमाटर सॉस से चिली सॉस डालने से ठीक है। इधर ज़्यादा चल रहा है पीरो हाल्नु पर्छ क्या, झाल हाल्नु से अर्कै टेस्टी होला। धनिया खाना है, धनिया दीदी क्या उसको मुख दुखे हो खाया। रबर बना के कैसा लगा बोल ना तो। कैसा लगा, टेस्टी लगा कि नहीं लगा वो बोल। बहुत टेस्टी सुना सुशी। मैं सच बताऊं तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। ऐसा तो खाने में टेस्टी है लेकिन ये जो है ये क्या है इसका गोबर, ये मुझे थोड़ा रबर जैसा लगा, छोटे छोटे, इसलिए मुझे नेक्स्ट टाइम तो नहीं चाहिए। पाचन नाश अभी तो वो अंदर जो जो सामान है वो तो टेस्टी है। जैसे मुझे
इनोकी मशरूम मुझे टेस्टी नहीं लगा, ऐसे मुझे ये भी टेस्टी नहीं लगा, थोड़ा रबर जैसा लगा। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम अभी तो ठीक है भाई, मीठो ना होगा। पुष्पा कैसे लगा? एक तो मैं ये चावल नहीं खाती, क्या चावल बिरयानी ये चावल ही मैंने फर्स्ट टाइम खाया था, इसीलिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, गम जैसा होता है चावल, मैं कभी नहीं खाता। बर्तन नहीं है आज में किचन गार्डन में फूलों के बीच। अच्छा, किचन गार्डन में फूलों के बीच खाना खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। और खाना खाने के बाद यहाँ देखिए हमारी प्लेट पूरा खाली है। पुष्पा बोल, इतना सुंदर सुंदर फूलों का बीच खाना कैसा लगा तुमको? तुम्हारे पीछे तो दो दो गुलाब फूल है। बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए खा रहा है पुष्पा एकदम। मेरे थाल भी खाली है, थोड़ा सा प्याज बचा हुआ है, चटनी, हस्बैंड का तो फुल खाली, पुष्पा खा रही है, ज्यादा ही हो गया खाना आज, थोड़ा ज्यादा ही हो गया। और सुशी नोरी थोड़ी बची हुई है, कितना पीस है? 3 पीस है। और प्रॉन है 2 पीस। देखा देखिए मैंने कहाँ कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है हॉटकेस, यहाँ पे रखा है टोमेटो सॉस, ये फूल को यहाँ रख दिया था, पहले तो ये साइड में किया था लेकिन वहाँ से नहीं हुआ अच्छा, तो इसीलिए अच्छा देख ये मैं आपको दिखाती हूँ, इसको देखिए कितना सुंदर था। और मैंने क्या किया, इसमें पूरा भर के सब्जी का जो छिलका था उसको डाल दिया और पूरा पत्ता पूरा पीला हो चुका है, ज्यादा ही खाद हो के ये पूरा पीला हो चुका है। अब पता नहीं इसमें फल लगेगी या नहीं, वो तो पता नहीं। और मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे संतरा, वहाँ पे है संतरा। तो अभी मैं खाऊंगी पान, और सच बताऊँ तो मैं पहले बहुत ही ज़्यादा पान खाती थी लेकिन अभी मैं पान नहीं खाती हूँ, बहुत कम कभी कभी खाती हूँ। और जितने भी नॉर्थ ईस्ट के हैं, आसाम के हैं, वो पान बहुत खाते हैं, बंगाल साइड में जो है वो पान बहुत ही खाते हैं। बंगाल वाले और नॉर्थ ईस्ट में तो ज्यादातर ही ये पान खाते हैं अपना अपना स्टाइल। हाँ, आसाम से तो पहले पान ना दे, मेहमान नवाजी में पहले पान ही हो।
पानी तो दिखा पान खाने हो भाई पहले पान पहले चाय नहीं पहले पान और अभी हम खेलेंगे लूडो पटेल पटेल बाजी वाला लूडो पैसा का बाजी कौन खेलेगा इतने घापड़ का हाँ सच्ची में नहीं तू तो नहीं दे सकेगा क्या को बाजी जो जीतेगा अंधो कहियो अच्छा कर रहा है जो हारेगा तुमको जाप पड़ जाएगा जो जीतेगा वो ठीक किया जो हारेगा वो डांस करेगा डांस करके दिखाएगा हारने वाला को डांस हम हारेगा ही नहीं तो कैसे हम को ही बोलते हैं डांस करेंगे हम हारेगा नहीं हम भी हारेगा नहीं ये हारेगा नहीं तुम तो है चलो मार 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 फाइव आ जाएगा जा ये मार दिया मेरे डांस का तो चलो नाचो कान लगा देगा नहीं चाहिए हम एक के लिए आ रहा है वो कोई बात नहीं देखा कुछ पर हम ऐसे ऐसे नाच देगा का काम तो सभी मिलके हम लोग अभी वीडियो खत्म करते हैं वीडियो को बंद करते हैं तो आज के लिए बाय सभी बाय कीजिए रुक 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 नहीं हुआ है थोड़ा रुक है सभी मिलके हैं एक साथ करना तो आज के लिए आपसे हम यही विदा लेते हैं और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए जरूर कीजिए जरूर कीजिए आपको नाचना पड़ेगा हम नाच दिया था ऐसे ऐसे कर दिया हो गया